घर बसा हुआ इस पानी के अंदर। कैमरा वुमेन आ जाओ पीछे बैठो, जो होता अच्छे के लिए होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड से, योग नगरी ऋषिकेश से। एंड आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश से टिहरी की ओर। तो आपको दिखाएंगे ऋषिकेश से टिहरी का फुल ऑन रास्ता, कैसे जाना है, क्या क्या जगह बीच बीच में पड़ेगी, तो वो सब आपको हम बताएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। तो अभी बज गए हैं दिन के 7 और हम ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जॉगिंग करने आते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं टिहरी। टिहरी यहाँ से अभी 80 किलोमीटर्स है। एंड टिहरी जाते हुए रास्ते में जो बड़े बड़े जो पहाड़ी सिटीज़ आती हैं, उनमें से एक का नाम है नरेंद्र नगर, एंड उसके बाद चंबा आता है, एंड उसके बाद आता है टिहरी। तो अब 7:30 बज गए, हल्की हल्की धूप आने लगी है। सुबह तो बहुत ठंड थी, लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया। वैसे इस ऋषिकेश वाले रूट पे ना मैं 5-6 बार आ चुका हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, बट मैं हमेशा ये सोचता था कि यार एक बार टिहरी डैम जरूर जाना है। इस बार हम स्पेशली टिहरी डैम के लिए आए। रेस्ट ए व्हाइल यू विल स्माइल। तो जी बस इसी कोट को पढ़कर हमने भी सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हमें ऋषिकेश से राइड करते हुए अराउंड 45 मिनट्स हो चुके हैं। हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, नरेंद्र नगर के आसपास हैं। एंड यहाँ से ना आपको ना ऋषिकेश पूरा सिटी दिखती है। मैं आपको उसके नज़ारे दिखाता हूँ। पहले ये देखो भाई साहब, पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। वो गंगा मैया बह रही है, ऋषिकेश पूरा शहर। वो नीचे से हम आए थे, यहाँ पर हमने बाइक पार्क कर दी है। एंड यहाँ पर बबीता थोड़ी सी थक गई है, एक बार पूछता हूँ उसको कैसा लग रहा है अभी, जिसकी सेकंड बाइक ट्रिप है उत्तराखंड में। तो कैसा लग रहा है आप बबीता तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है। अरे थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले ना, तो मतलब ऑफिस जा जा के थक गए थे, तो अभी ये ट्रिप थोड़ा सा एक रिलीफ जैसा होगा। शॉर्ट ट्रिप रहेगा पर मजा आएगा। चक्राता वाली ट्रिप सही थी, ये ट्रिप अभी सही लग रही है। अभी तो वैसे स्टार्ट ही हुई है। हाँ तो अभी तो ये ट्रिप स्टार्ट हुई है। हम लोग चक्राता गए थे, अगर आपको चक्राता वाली हमारी वीडियोस देखनी है, हम देहरादून से चक्राता गए थे, वो भी हमारी 2 दिन की ट्रिप थी। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, इस चैनल पे आपको दिख जाएगी, थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो। आप ना यहाँ पर ना सुबह का टाइम है, तो चिड़ियों की ना चहचहाने की आवाज़ आ रही है। एक बार मैं शांत होता, आप भी सुनो, इस कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड होगा अच्छे से नहीं होगा, एक बार आप सुनो जरूर। आई एम श्योर आई होगी आवाज़, आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे एंड पहले ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पर। तो यार ये रहा नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर नीचे ही था थोड़ा सा। एंड यहाँ से चंबा है 42 किलोमीटर्स, और आई थिंक एक छोटा सा गांव और आया है। तो स्वागत है आपका बनाली गाँव में। बड़े प्यारे लगते हैं यार ऐसे छोटे छोटे गाँव आते हैं ना पहाड़ों पर, बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो वैसे खैर कुछ ज़्यादा ही छोटा गाँव लग रहा है, आई थिंक गाँव तो है नहीं यहाँ पर, बस शॉप्स है। गाँव पक्का नीचे होगा कहीं, क्योंकि पहाड़ों पे ना गाँव या तो नीचे होते हैं रोड से या रोड के ऊपर होते हैं। ऑन रोड तो बस आपको शॉप्स ही मिलती है। आई थिंक कोई टाउन सा आया है छोटा सा, यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, जय हो बजरंगबली। अब ये बहुत देर बाद मुझे पहला पैच दिखा जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है। आई थिंक यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी इसलिए रोड गायब हो गई है, इतना तो चलता है यार। लेकिन हाँ रोड बहुत अच्छी है ऊपर। ओए होए होए होए, पहाड़ों पे ना बाइक चलाने का जो मज़ा है ना वो गाड़ी चलाने में, ना वो टैक्सी चलाने में, ना वो बस के ऊपर बैठ के ट्रैवल करने में। इस तरफ है गंगोत्री आ गया है, चंबा का कहीं बोर्ड नहीं लगा, चंबा कैसे जाएंगे? बोल जी चंबा सीधा है ना, चंबा सीधा। कहीं कहीं कुछ ऐसे पैचेस है जहाँ पर रोड थोड़ी सी ख़राब है, आप देख सकते हैं कि पूरा लैंडस्लाइड आ रखा है। अब गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट तो रोड बना देती है, बट जो नेचर है जब उसको तोड़ता है तो वो तोड़ के ही रख देता है रोड को। मतलब पहाड़ों पे आपने ऐसी प्लेन रोड देखी है? पिछले 2 या 3 या 4 या 5 किलोमीटर से हम ऐसे ही चल रहे हैं, प्लेन रोड एकदम। सामने आपको दिख रहा है चंबा सिटी, पूरा पूरा चंबा है। तो
चंबा से टेरी डैम जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप चंबा से न्यू टेरी होते हुए टेरी डैम तक जाइए, या दूसरा है कि चंबा से जस्ट पहले था जो मार्केट का चौराहा था, वहाँ से एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड जाती है कोटी कॉलोनी की तरफ, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके 4-5 किलोमीटर सेव हो जाएंगे। नैल गांव में आपका स्वागत है। बहुत ही कम घर दिख रहे, दो घर मुझे ऊपर दिखे, दो घर नीचे दिखे। नैल से थोड़ा सा आगे एक छोटे से ढाबे पे रुके। क्या क्या भैया खाने में? वेज पे क्या क्या? वेज में खाली होगी। पराठा वराठा नहीं है? पराठा है। कौन कौन से? आलू प्याज मिक्स है। आलू प्याज मिक्स बना दो एक एक। टेहरी डैम से अराउंड 9-10 किलोमीटर पहले एक जगह रुके, कुछ खा रहे हैं ब्रेकफास्ट टाइप का, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पहले, जहाँ रुके हैं। आओ नीचे, पूरा कितनी खतरनाक सी गाय है यार। ये पूरा एरिया ये टेहरी के अंदर ही आता है, टेहरी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। ब्रेकफास्ट मंगाया, पराठे बनवाए, पराठे खाएंगे, फिर आपको टेहरी डैम ले चलेंगे। ये हमारा आ गया एक आलू प्याज पराठा, मिक्स पराठा, एक चाय। फर्स्ट बाइट आज की कैसी लगी? सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मज़ा तो आएगा ही। और ये नज़ारे एंड ये बहुत ही बढ़िया सी धूप जो सीधे मुंह पे पड़ रही है। और ये हमारी बाइक। अभी आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, इस ढाबे के जो पीछे का एरिया, ढाबा कहाँ बना है ये देखो भाई। उस रोड से हम आए थे तो यार यहाँ से ना सीधा टेहरी डैम है 8 किलोमीटर, और यहाँ से 13 किलोमीटर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है डोबरा चांटी ब्रिज है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम जा रहे हैं टेहरी डैम, और वो सामने देखो आपको झलक मिल गई होगी टेहरी डैम की। यार जिस बात का डाउट लग रहा था वो फाइनली अब हो ही गया। वैसे भी अगर पहाड़ों पर आए और थोड़ी देर फंस ना गए तो फिर क्या ही पहाड़ों पर आए। यहाँ पर आई थिंक रोड चौड़ा करें, लैंडस्लाइड तो नहीं है, रोड चौड़ी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर भी काम चल रहा है। तो आधा घंटे तो बॉस यहाँ पर हमें वेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैफिक उस तरफ भी लगा हुआ है। भाई देखो बस वाले ने डाल दी थी अंदर, रास्ता साफ हुआ नहीं था, भाई जल्दी में था और फंस गया, अब लेनी पड़ रही उसको बैग। यार थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए लोगों में। यार दिख रहा है बंदा काम कर रहा है, रोड साफ कर रहा है, लेकिन नहीं भाई हमें तो भाई जल्दी जाना है। तो यार हम पहुंच गए टेहरी डैम फाइनली। ये पूरा टेहरी डैम का जो पानी है वो इकट्ठा किया गया है, ये भागीरथी नदी का पानी है एंड ये एक हाइड्रल प्रोजेक्ट है। ये अराउंड 1000 मेगावाट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है एंड बहुत ही अमेजिंग है यार। एकदम देखो ना चारों तरफ से आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये इंडिया का टॉलेस्ट हाइड्रल प्रोजेक्ट है, टॉलेस्ट डैम है। एंड ऐसा कहते हैं कि जब ये डैम बन रहा था तो यहाँ का जो पुराना टेहरी के जो लोग थे उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फाइनली डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया और अराउंड 1 लाख लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया गया था न्यू टेहरी में। कुछ को ऋषिकेश किया गया, कुछ को चंबा में किया गया, कुछ को देहरादून किया गया, मतलब ऊपर ऊपर अलग अलग गांव में लोगों को रिलोकेट किया गया। तो आप देख सकते हो जितना भी ये जो डैम है, इस डैम के अंदर एक पुराना पूरा का पूरा शहर बसा हुआ अभी भी इसके अंदर। आप अगर यूट्यूब में अलग वीडियोज देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो या पढ़ सकते हो इसके बारे में। ये जो पूरा टेहरी डैम का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो क्या था, उसके पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ इस पानी के अंदर। अभी भी क्लॉक टावर्स, लोगों के घर, बैंक, स्कूल सब इस पानी के अंदर दबे हुए हैं। मेन टेहरी डैम है जो मतलब इनका जो मेन डैम बना रखा है वो यहाँ से अराउंड 1-2 किलोमीटर और आगे। वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आई थिंक अलाउड नहीं है। फिर चलो आपको वहीं चल के दिखाते हैं, अगर वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो हम वीडियोग्राफी करेंगे एंड अलाउड नहीं होगी तो फिर नहीं करेंगे। आपको वहीं चल के दिखाते हैं, बैग टांग लेते हैं। आ जाओ कैमरामैन, बैठो पीछे। कैमरा वुमेन, कैमरा वुमेन आ जाओ पीछे बैठो। अभी हम बैठे हैं टेहरी डैम के व्यू पॉइंट में, आपको सामने दिख रहा होगा टेहरी डैम। ये सामने टेहरी डैम है। एक्चुअली हमें जाना वहाँ था लेकिन हम ना ये नीचे जो रोड दिख रही है ना यहाँ से गए थे पहले, जो मैंने आपको प्रेमिसेस दिखाया था, जो हाइडल प्रोजेक्ट का जो प्रेमिसेस था वहाँ पर ना जो
सिक्योरिटी थी उनने हमें मना कर दिया जाने से, रीजन बिंग कि हम उनने हमसे पूछा कि कहाँ जाना है, हमने बोला डैम देखने जाना है, तो उनने हमें वापस भेज दिया कि आप ऊपर जाओ, ऊपर से वाली रोड से अच्छा व्यू पॉइंट आ रहा है। बट यहाँ फिर हमने एक लोकल से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ तो सारी जा रही थी। देन उसने बताया एक्चुअली में जो रोड है ये श्रीनगर टपरी और भी दो तीन जगह यहाँ से होकर ही जाती हैं, तो अगर आप यहाँ से अगर कोई डैम पे जाना है तो आप ये मत बोलो कि डैम घूमने जाना, आप ये बोलो कि मैं यहाँ से श्रीनगर जा रहा हूँ या टपरी जा रहा हूँ, तब वो आपको अलाउ करते हैं। और ऐसे ही जितनी भी गाड़ियाँ थी रोडवेज थी सब यही बोल के जा रहे थे। हमने तो भाई बोल दिया सच कि डैम में डैम देखने जा रहे हैं, बट ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि हम नीचे जाते वहाँ से इतना अच्छा व्यू आता जो व्यू हमको यहाँ से मिल रहा है। मतलब होता ना कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आप यहाँ से व्यू देखो यार, क्या बढ़िया व्यू है। ये रहा डैम, यही डैम था, हम यहाँ तक ही जाना था, उसके बाद ये रोड ऊपर जा रही है, पीछे से होते हुए ये सारी रोड ये श्रीनगर जाती है। और ये जो मेरी रोड जा रही है ये जा रही है टेहरी की तरफ, एंड ये जा रही है वापस डैम की तरफ, मतलब जो जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। बहुत ही ऑसम सी जगह है यार, बहुत ही पानी देखो कितना क्लियर पानी है। और ये तो भाई यहाँ बैठ गई है तब से, व्यू इंजॉय कर रही है, कितना सुंदर है। हाँ भाई बहुत सुंदर है। तो अब हम उठा रहे हैं इस बहुत ही ऑसम से व्यू का लुफ्त। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई नो काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी भी एंटरटेनिंग या थोड़ा सा भी आपने एक नई जगह मेरे साथ घूमी हो तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा मर्जी लगा हो, प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इस टेहरी लेक पर वाटर स्पोर्ट, जेट स्की और स्पीड बोट, देखते हैं क्या क्या हुआ है वहाँ पर, वो सब करेंगे। एंड वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।